शराबबंदी वाले बिहार में नीतीश कुमार शराब ना पीने को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रम से लेकर विधानसभा तक में बोल रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर और सख्त कदम उठाया जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद शराबबंदी वाले बिहार में खूब जाम छलकाए जा रहे हैं। बेगूसराय में जाम छलकाते 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। होली मिलन समारोह के नाम पर सरेआम पार्टी करते इन लोगों को शायद प्रशासन का खौफ नहीं रहा होगा, तभी तो डीजे की धुन के साथ शराब पार्टी का आयोजन कर लिया। लेकिन एसपी को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा। बेगूसराय के 0 माइल थाना क्षेत्र के गुरदासपुर गांव में भारतीय मोबाइल टावर कामगार यूनियन के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां नाच गाने के साथ शराब भी परोसी जा रही थी। 4 थानों की पुलिस ने एक साथ छापेमारी की, जिसके बाद 12 से ज़्यादा लोगों को वहां पार्टी करते हुए पकड़ा, जिसमें से 7 लोगों के शराब पीने की पुष्टि हुई। कल रात को हम लोग को सूचना मिली, 0 माइल थाना अंतर्गत एक जगह है गुरदासपुर टोला, वहां पे कुछ लोग टेंट शामियाना गाड़ के तेज़ आवाज़ में डीजे बजा रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। उसके सत्यापन के लिए मैंने आसपास के जो 4 थाने हैं सदर अनुमंडल के भेजे थे, और एसटीपीओ सदर भी वहां पे बाद में गए थे, तो वहाँ हम लोग को पता चला कि ये लोग डीजे बजा रहे थे और ये सभी लोग भारतीय मोबाइल टावर कामगार यूनियन के बैनर तले वहाँ अपना काम करते थे, और ये लोग कल वहाँ होली के उपलक्ष्य में एक पार्टी रखे हुए थे। हम लोग को शक हुआ तो हम लोग ने तुरंत वहीं पे थाना से ब्रेथ एनालाइजर मशीन हमने सभी थानों को दे दिया है, सभी को चेक किया गया तो उसमें कुल 7 लोग हैं जिनके शराब में नशे में होने की पुष्टि हुई। इन 7 लोगों को अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है, और वहाँ पर जो डीजे बजाया जा रहा था उसको भी हम लोग ने जब्त कर लिया है। हम लोग ने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि वहाँ किसकी ज़मीन थी जिस पे कि ये पार्टी हो रही थी, अब उस पे भी कार्रवाई होगी। व्यक्ति गया जिला का है, एक अपने तेंगड़ा का ही है, एक बरौनी का है, एक लाखों का है, एक लखीसराय का है, तो कुल मिला के ये लोग जो वर्कर्स थे ये डिफरेंट जिलों के हैं, लेकिन ज़्यादातर तो लखीसराय और बेगूसराय के ही हैं। सभी को गिरफ्तार किया गया, सभी को जेल भेजा जा रहा है, और ये जो भारतीय मोबाइल टावर कामगार यूनियन है इसके भी जो पदाधिकारी हैं उसको भी बुला के हम लोग उनसे भी पूछताछ करेंगे, और ज़रूरत होगी तो उन पर भी जो नेसेसरी एक्शन बनता है मद निषेध का उल्लंघन करने के लिए हम लोग जो जरूरी होगा इस पर भी कार्रवाई करेंगे। भारतीय मोबाइल टावर कामगार यूनियन के पदाधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और जरूरत पड़ेगी तो उन लोगों पर भी मद निषेध के तहत कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार जहरीली शराब पीने से मौत की खबरें भी आ रही हैं, और तो और शराब पीने वालों की गिरफ्तारियां भी बढ़ी है, और अब होली के मौके पर पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती है शराबबंदी को सख्ती से पालन करवाना। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।